अभी जिस विषय पे हम बात करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप भी सवाल पूछें काफी कुछ, क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी कभी भी मीडिया में, अभी आप देखेंगे जो भी कुछ पढ़ाई लिखाई हुई है, खासतौर से दो एक रिसर्च से जुड़ी संस्थाओं ने जो मीडिया के कंटेंट का एनालिसिस किया, उससे ये पता लगता है कि 3% जगह ही सिर्फ डेवलपमेंटल खबरों को मिल पाती है मुख्य धारा की मीडिया में। उसकी तुलना में अपराध की खबरें, पॉलिटिक्स की खबरें, बिजनेस की खबरें बहुत ज़्यादा हैं, और शायद ज़रूरत 3% को कम से कम 13% करने की है। 10% को और बढ़ना ही चाहिए, और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि मीडिया में जैसे ही हम बात करते हैं, हम सब लोग जब बात करेंगे, आप सबका इंटरव्यू जब हम करते हैं एडमिशन के समय, नौकरी के समय, तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि पत्रकारिता करना कहीं ना कहीं समाज में जो सार्थक बदलाव करने की एक इच्छा है, या दखल देने की इच्छा है कि गलत काम रुके और अच्छे की तरफ हम जाएं, उसका एक हिस्सा है मीडिया का काम। तो ऐसे मीडिया के काम में जो अगर हम डेवलपमेंट समाज में जो कुछ भी हो रहा है, जो बदलाव हो रहे हैं, उनमें दखल न दें पॉजिटिव ढंग से, तो फिर हमारा काम, मीडिया का हमारा काम कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से पीछे जा रहा है। हम सब लोग जब डेवलपमेंटल जर्नलिज्म की बात शुरू करेंगे तो जाहिर है कि ये विकास से जुड़ी खबरों का मामला है, लेकिन आप सब जब इस काम की तरफ बढ़ेंगे तो पहली चीज जो दिक्कत होगी वो ये कि विकास है क्या। अगर थोड़ा भी इतिहास को पीछे देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि ये सब 100 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। मानव सभ्यता जाने कितनी पुरानी है, हमारा इतिहास कितना पुराना है, लेकिन ये सब 100 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, और बातचीत में तो 50 साल से शायद आया है, उसके पहले इसका ढंग का कोई भी इतिहास भूगोल आपको नहीं दिखाई देगा। तो उसमें मुश्किल ये है कि ऐसा तो नहीं है कि डेवलपमेंट कुछ नया ही होने लगा, उसके पहले कुछ होता ही नहीं था, या फिर ये कि जो कुछ पहले होता था उसको डेवलपमेंट नाम से हम नहीं जानते थे, किसी और नाम से जानते थे। जाहिर है पहले भी ये चीज़ें होती होंगी, जिसको आज हम विकास कह रहे हैं वो पहले भी होती होंगी। राजा महाराजा जो पुराने हैं, जो बड़े लोकप्रिय हुए, जिनको लोगों की के हितैषी माना जाता था काफ़ी कुछ, हम सब अपने यहाँ शेरशाह सूरी का नाम लेते हैं, बड़ी बिल्डिंगें बनवाई, सारे जमीन की पैमाइश कराई, अकबर ने, शाहजहाँ ने काफ़ी सारे काम किए, और इस तरह एक दो राजा का नहीं, काफ़ी सारे राजाओं का आप किस्सा देखेंगे। और सिर्फ राजाओं का मामला नहीं है, अगर आप थोड़ा इतिहास गूगल अपने आसपास का भी देखना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि जो दुकानदार बनिया एक एक पैसे की कंजूसी जीवन भर करता था, वो भी आखिर में अपना सारा जीवन की जितनी कमाई है, सारी कमाई उसने निकाली और एक कुआं बनवा दिया, एक पौड़ी बनवा दिया, एक तालाब खुदवा दिया, एक मंदिर बनवा दिया, ये सब करके उसने वो सारी कंजूसी शुरू की, सारी बेईमानी सब निकाल के उसने कहीं ना कहीं संभाल की। तो तब शायद सब दूसरे थे, कहीं कल्याण का है, कहीं धर्म करना है, कहीं पुण्य करना है, कहीं समाज सेवा करनी है, इस किस्म के शब्द थे। आज डेवलपमेंट एक अलग अर्थ में थोड़ा आपके सामने आया है, और उसकी वजह ये है कि शासन का रूप बदल गया है। आज के तारीख में खासतौर से यूरोप से जो डेवलपमेंट का मॉडल आया है, उसमें शासन वेलफेयर स्टेट के कंटेक्स्ट में आया है, और चाहे डेवलपमेंट का मॉडल कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट हो, सब में ये है कि शासन समाज के विकास में एक भूमिका निभाता है, और वो जो दखल देता है डिफरेंट योजनाओं से, उससे समाज का भला होता है, समाज का विकास होता है। इस बेसिक बात को समझ लेने के बाद भी आप पाएंगे कि अभी भी ये मुश्किल बनी हुई है कि डेवलपमेंट असल में कहेंगे किसको, या डेवलपमेंट को मापेंगे कैसे। कई दफे आप पाते हैं कि पर कैपिटा इनकम, GDP का ग्रोथ, कई बार इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, रोड की डेंसिटी, अस्पताल में पर बेड कितने, 1000 लोगों पे कितने बेड हैं, इस किस्म की गिनती, और रोज नई परिभाषा बदल के आ रही है। सिर्फ एक जगह रुक नहीं गया है कि GDP को ही मान लेंगे या कैलोरी कंजम्पशन को ही मान लेंगे, इतना कैलोरी अगर आदमी खा रहा है उसका कंजम्पशन बढ़ गया, एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ गया, कितनी बिजली जला रहा था एवरेज, अब सब लोग ज़्यादा बिजली करने लगे। आज के तारीख में मैंने माइग्रेशन पे काम किया है काफ़ी, तो माइग्रेशन के बारे में भी ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा माइग्रेशन होगा उतना विकास होगा। तो एक पूरी थ्योरी ये चल रही है, माइग्रेशन में जो भी माइग्रेट करता है उसको बहुत दिक्कत होती है,
अपनी जगह से उखड़ के जाता है, बोली, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, पत्नी रह गई, बच्चे रह गए, बूढ़े माँ बाप रह गए, अकेले पहले माइग्रेट करता है, और अगर सबको लेके जाता है तो फिर उसकी अपनी तकलीफ शुरू होती है कि वो बच्चा कैसे नई भाषा में कैसे पढ़ाई करेगा, बूढ़े माँ बाप जाके कहाँ से भाषा सीखेंगे। तो ये सब दिखते सह के भी अगर वो माइग्रेट करता है तो उसको भी डेवलपमेंट का एक हिस्सा माना जाता है। और ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा माइग्रेशन होगा, उतना ही ज़्यादा तो अभी भी हम पाएंगे कि कोई एक फॉर्मूला नहीं है, कोई एक परिभाषा नहीं है जिससे हम डेवलपमेंट को परिभाषित कर लें कि यही डेवलपमेंट हो गया और आपने ये कर दिया, इसका मतलब आपने डेवलपमेंट का काम कर दिया। कई दफ़े जैसे हम अभी पा रहे हैं अपने ग्लोबलाइजेशन के दौर में कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे यहाँ बहुत बढ़िया हुआ है। पिछले 20 साल से जब से ग्लोबलाइजेशन लागू हुआ है तब से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़िया, अभी भी सारी दुनिया में जो सबसे तेज रफ्तार से जो अर्थव्यवस्थाएँ बढ़ रही हैं उस बात भी है, पर कैपिटल इनकम भी बढ़ रहा है। इसके बावजूद हम पाते हैं कि अमीरी गरीबी का गैप बढ़ रहा है। मुकेश अंबानी की संपत्ति तो 20 साल में 101 गुना बढ़ गई। आम आदमी की गरीबी खत्म हुई है या नहीं ये अभी भी डमाडोल है। अभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है उससे पता लगता है कि शहरों में 3% और देहात में 8% जो कंजम्पशन प्रोटीन का है और कार्बोहाइड्रेट का है, इन दो का कंजम्पशन कम हो गया। इसका मतलब गरीब और गरीब हो गया। तो सारी समृद्धि कुछ लोगों के जेब में जा रही है। एक लेवल में तो बहुत बढ़िया है, बहुत तेज ग्रोथ है, सारी दुनिया में हमारा झंडा फहरा रहा है और चीन के बाद हम ही हैं और अगली जो सुपर पावर अगला जो भी होना है उसमें हिंदुस्तान भी है। लेकिन कुल मिला के जमीन पर जब वो आता है तो वो बंटवारा उस किस्म से नहीं होगा। तो ये आपको जब भी अभी डेवलपमेंट जर्नलिज्म की बात आप करेंगे तो चाहे सरकारी योजनाओं का हो, चाहे समाज के जनरल विकास का हो, या आपके अपने उद्यम का हो, आपको डेवलपमेंट किस सेंस में करना है या किस सेंस में गिनना है ये मुश्किल बनी रहेगी। इससे भी ज़्यादा मुश्किल हम सब लोगों को, अगर डेवलपमेंट जर्नलिज्म करना आपके फितरत में है और आपको अच्छा लगेगा करना, मेरे ख्याल से करना चाहिए सबको, तो आप पाएंगे कि इससे भी ज़्यादा मुश्किल ये है कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म करें कैसे। जैसे आपको कोई कह दे कि आप एक गांव में गेहूं की पैदावार बढ़ी है या घटी है, इसका हिसाब लगाइए। अब आप सोचिए जरा ये हिसाब कितना मुश्किल है, क्योंकि पिछले साल गेहूं कितना पैदा हुआ था ये हिसाब आप कहां से ले आएंगे, और इस साल कितना पैदा होगा या हुआ ये कहां से ले आएंगे। और अगर पूरी टीम आपकी हम लगा लें, अभी जितने लोग हम लोग बैठे हैं, तो एक पंचायत का हिसाब लगाने में मुश्किल हो जाएगी। अगर ये सारी टीम लग जाए कि जाके फला गांव का डेवलपमेंट गेहूँ पैदावार खाली देख लो कि पिछले साल से ज़्यादा हुआ कि कम हुआ या अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो ये पूरी जितनी भी हमारी संख्या है ये सब लग जाएगी। इसके बाद भी आंकड़ा भरोसे का आएगा ये मुझे अभी शक है। तो फिर हम क्या करते हैं, आमतौर पर डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में ये मुश्किल है कि आंकड़े आपको, और कोई अखबार इतने लोगों को एक बरस के आंकड़े के लिए, गेहूं के आंकड़े के लिए नहीं लगा सकता। कोई चैनल इतना खर्चा किसी के पास नहीं है कि जो इतने लोगों को लगा दे सिर्फ इस आंकड़े के लिए कि जाके फला गांव का गेहूं का प्रोडक्शन देखो कि बढ़ा के घटा या अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। इतना किसी के पास साधन नहीं है, इतने लोग किसी के पास। तो आमतौर पर डेवलपमेंट जर्नलिज्म में हमारी मुश्किल फिर ये शुरू होती है अगली कि चाहे मामला एक गांव का हो या पूरे मुल्क का हो या दुनिया का हो, एक फसल का हो, सारी फसलों का हो, बीमारी का हो, किसी पुल बनने का हो, सड़क बनने का हो, बिजली की पैदावार का हो, जो भी कोई अगर आपको फिगर लेना है, जानना है, तो उसमें आपको आंकड़ा आपके अपने बस में नहीं है। आंकड़ा आपको दूसरा ही कोई देगा, दूसरा कोई आमतौर पर सरकारी एजेंसियाँ देती हैं या कंपनियाँ देती हैं या फिर जो डेवलपमेंट की एजेंसियां हैं डिफरेंट वो देती हैं, या कहीं मार्केट रिसर्च की संस्थाएं हैं वो देती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी पढ़ाई लिखाई करनी है, जो भी कुछ बताना है, जो भी कुछ यस नो करना है, सरकार की नीतियों को गाली देना है या तारीफ करना है, ये सब बुनियादी आंकड़ा किसी और से लेना है। इसीलिए कई बार डेवलपमेंटल जर्नलिज्म को ये कहा जाता है कि ये PR जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन अफसर जो सरकार के हैं, कंपनियों के हैं, एजेंसियों के हैं, वो जो भी कुछ आपको बताते हैं आपको वही जर्नलिज्म करना है। वो कहेंगे कि इस साल सरकार कहेगी कि इस साल गेहूं की फसल अच्छी हो गई, तो आप दुगदुगी बजाइए कि गेहूं अच्छी हो गई,
फसल, और अगर वो कहे कि इस साल खराब हो गई तो आपको ये खराब हो गई, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि आप जल्दी उस आंकड़े को काट सकें। तो ये एक बड़ी मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल में अच्छी बात यह है कि आपको ये सुविधा तब भी रहती है कि जो आंकड़े आए उनको ठीक से देखें, और अगर ये समझ आपको है कि आंकड़ों को एनालिसिस कैसे करें, जैसे एक हांडी में भात बन रहा हो तो चार दाना निकाल के आप अंदाजा लगा लेते हैं कि चावल पक गया है या नहीं पका, खराब हो गया अच्छा हुआ, वैसे ही आप डेवलपमेंट के आंकड़ों को थोड़ा कुछ टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि ये आंकड़े सही हैं कि नहीं हैं। और दूसरा ये है कि अगर उन आंकड़ों को आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कुछ तस्वीर, जैसे मान लीजिए 5 साल के आंकड़े अगर आप सरकारी देखेंगे तो आपको फिर ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर 5 साल को साथ देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जो लोग आपके यहाँ कॉमर्स पढ़ के आए होंगे वो ये जानते हैं कि जैसे ही आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें 5-6 किस्म का मुनाफा होता है। हर किसी को हर मुनाफे से मतलब नहीं होता, लेकिन अगर खाली विज्ञापन पे जाएंगे तो विज्ञापन बनाने वाली एजेंसी आमतौर पे हर बार आपको सिर्फ वही चार्ट दिखाएगी जो चार्ट बहुत पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ये कोई भी आंकड़ा अगर आप एक उठाएंगे तो वो अक्सर बेईमानी वाला आंकड़ा ही उठा के आपको पेश करेगा। लेकिन अगर आप सारे प्रॉफिट पर नजर रखते हैं और सारी चीजों पर नजर रखेंगे तो आपको उसकी कमियां समझने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सीए की रिपोर्ट के बाद हर आदमी आंख मूंद के यही मान लेता है कि सब कुछ हरा ही हरा, उसमें क्या कमी है ये आपको समझना है। तो एक तो कमी परखने का आपका तरीका ये है कि आप अपने अनुभव से देखिए कि छोटे लेवल पे क्या हुआ और उससे आंकड़े मेल खाते हैं या नहीं। आंकड़ों को थोड़ा आगे पीछे करके देखिए, कई साल के आंकड़े साथ रखिए, कई राज्यों के आंकड़े एक साथ रखिए। मान लीजिए अभी हम सब लोग मोदी मोदी कर रहे हैं कि मोदी का ग्रोथ बहुत बढ़िया है, पता लगा मायावती का ग्रोथ उससे ज़्यादा बढ़िया है। अभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है वो बताता है कि उत्तर प्रदेश का ग्रोथ उससे बेहतर है। अब ये फिगर आपको एकदम चौंकाने वाला है, लेकिन ये तभी सामने आएगा जब 2-3 राज्यों के आंकड़े आप साथ रखेंगे, जो बहुत अच्छा माना जाता है, जो बहुत खराब माना जाता है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं असल में क्या हो रहा है। तो आंकड़ों को पढ़ना, देखना, समझना भी आपको आना चाहिए, ये डेवलपमेंटल जर्नलिज्म की एक जरूरत है। अभी आपको लोग पढ़ा रहे होंगे, हमारे साथी लोग रिपोर्टिंग पढ़ा रहे होंगे, एडिटिंग पढ़ा रहे होंगे, कॉपी लिखना पढ़ा रहे होंगे, खबर लिखना पढ़ा रहे होंगे, इन सब चीज़ों की जरूरत डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में पड़ेगी, और ये आपको कई मायने में अच्छा बुरा दोनों ही अनुभव देगा। जैसे आपको ये चीज़, जो भी कोई रिपोर्टिंग पढ़ा रहा होगा वो आपको ये बताएगा कि रिपोर्टिंग का एक बड़ा गुण है आप में जो होना चाहिए वो ये है कि सोच से डेवलप करना। हर मिनिस्ट्री में, हर कैबिनेट में, हर दफ्तर में अगर आपने सोर्सेज अच्छे डेवलप कर लिए तो आप बढ़िया रिपोर्टर हैं, आपको खबरें मिलती ही रहेंगी। और सोर्सेज डेवलप करने के बारे में ये भी बताया होगा हमारे दोस्त ने, या बताएंगे अभी अगर नहीं पढ़ाया होगा, कि ये जो सोर्स बनते हैं लोग, ये आमतौर पर इनकी पर्सनैलिटी बहुत गड़बड़ होती है। ये दारू लेके, ये कोई सामान लेके, ये झूठ बोल के, क्योंकि मान लीजिए अगर आप जो बहुत कायदे कानून वाला अफसर है उसको कहिए भैया अपने मिनिस्ट्री की चीज़ें हमको बताओ, वो बोलेगा हमको इजाज़त नहीं है बात करने की, आप मंत्री से बात करिए या पीआरओ से बात करिए। अगर मंत्री से भी पूछिएगा तो वो कहेगा कि नहीं, हम तो ओथ लेके भाई साहब बैठे हैं कि कैबिनेट की कोई चीज़ आपको सीक्रेट नहीं बताएंगे, कैबिनेट की मीटिंग जैसे होती है आपके पास सारी खबरें आ जाती हैं, उसके अंदर क्या हुआ ये वही मंत्री बताता है जो बहुत एम्बिशस होगा, जो किसी को चिदम्बरम बता रहे हैं क्योंकि प्रणब मुखर्जी को चाहते हैं कि ये पंचर हों, और प्रणब मुखर्जी हटेंगे तो हमको फाइनेंस मिल जाए, पाटिल हटे तो उनको होम मिनिस्ट्री मिल गई। तो जो मंत्री बहुत एम्बिशस होगा, जो अफसर बहुत एम्बिशस होगा, जो पार्टी का कार्यकर्ता बहुत एम्बिशस होगा, जो आदमी लालकृष्ण आडवाणी का नहीं होगा, बीजेपी का वर्कर, वो आपका कैसे हो सकता है? लेकिन आपको खबर वही देगा, असली जो अंदर की खबरें हैं वो ऐसा ही एम्बिशस आदमी जिसको जल्दी आगे बढ़ना है, जिसको कुछ गड़बड़ करके आ। तो सोर्स बनाना बहुत ही मुश्किल काम है रिपोर्टिंग का, अगर और आप सोर्स बनाना सीख लिया तो फिर आप अच्छे रिपोर्टर हैं, और ये आपको करना ही होगा। अगर आपको रिपोर्टिंग में जाना है तो आपको थाने से लेके हर जगह आपको अपने सोर्स बनाने होंगे, जो एक फ़ोन पे आपको खबर दे देंगे, और या कोई खबर आपको आ रही होगी
तो आप कंफर्म करने के लिए उनको फोन करते हैं कि भैया ये बात हुई है क्या तुम्हारे यहाँ, तो थोड़ी देर में आपको बता देता है कि हाँ ये हुआ है, इसमें ये और बात है, तो आप बड़े मजे से खबर दीजिए। जितना अनुभवी होंगे आप उतने ही ज्यादा आप, और थाने का सोच बहुत आसान होता है लेकिन कैबिनेट का सोच बहुत मुश्किल होता है। डेवलपमेंटल जर्नलिज्म के बारे में अच्छी बात यह है, एक मुश्किल तो यह है कि आपको खुद से खबर निकालने में बहुत परेशानी आनी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें सोर्स आपको इस किस्म के नहीं मिलेंगे, आपको सोर्स आमतौर पर अच्छे सोर्स मिलेंगे। सोर्स वो लोग बनेंगे जो खूब पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई हेल्थ पे पढ़ रहा है, कोई पॉपुलेशन पे पढ़ रहा है, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ पे पढ़ रहा है, उस इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एक एक इलाका है जिसमें पढ़ने वाले लोग हैं, एनजीओ हैं जो दिन रात वही काम कर रहे हैं, जो औरतों पे, हेल्थ पे, बच्चों चाइल्ड हेल्थ पे, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। आपको जैसे जनगणना आती की रिपोर्ट आती है, आशीष बोस आपको इतने बेस्ट मिलेंगे क्योंकि हर आदमी चाहता है कि आशीष बोस से ही बात करें, और वो जो बता देंगे वो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें। तो आमतौर पर ये जो बाहर बैठ के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं फील्ड में, ये सब जानकार लोग हैं और दिन रात पढ़ाई करते हैं, और ये कोई आपसे दारू नहीं मांगने वाला है, कोई आपको झूठ नहीं बोलने वाला है, कोई आपको दगा नहीं देगा, कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेईमानी नहीं करने वाला है। ये सब तपे तपाए लोग हैं जो सचमुच बहुत मेहनत करके अपनी खबरें जुटाए रहते हैं, अपनी जानकारी जुटाए रहते हैं, और उनसे अगर आप नया सेंसस लेके आशीष बोस के पास बैठिए, बोलिए दादा इसमें क्या क्या आया है, वो जो चीज़ें आपको बता देंगे आप सात जन्म में सचमुच नहीं पा सकते। तो ऐसा सोर्स डेवलप करना आपको बाकी जर्नलिज्म में बहुत मुश्किल होता है, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में बहुत आसान है कि ये सोर्स आपको मिल जाए। ये सोर्स बनाने के लिए आपको थोड़ा आगे पीछे देखना होगा जरूर कि कौन लोग हैं इस फील्ड के जानकार, लेकिन इसमें एक और दूसरी अच्छी बात यह है कि आपको खाली आप ही को नहीं देखना है, वो लोग भी ऐसा देखते रहते हैं कि मीडिया में कौन आदमी ऐसा है जो इसकी इस खबरों में दिलचस्पी, तो आप ही खाली लोकेट नहीं करते, वो भी आपको लोकेट करते रहते हैं कि इस अखबार में ये लड़का है, ये लड़की है जो जिसकी दिलचस्पी इन खबरों में है, तो उसको ये खबर पहुंचाओ, उसको ये बात पहुंचाओ, वो भी आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भेजते रहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको सारे डिटेल्स भेजेंगे, क्योंकि मीडिया एक मायने में फोर्स मल्टीप्लायर भी, अच्छे काम को अगर मीडिया उठाता है तो वो काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है, बुरे काम पर अगर मीडिया चोट करता है तो वो काम रुक जाता है। तो फोर्थ मल्टीप्लायर है, तो उनकी दिलचस्पी जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जानकार या एनजीओ में या सरकार के अंदर भी बैठे हुए लोग या समाज में ऐसे भी जानकार एक से एक हर फील्ड में है, आप पाएंगे कि ये समुद्र में ये आया था क्या सुनामी, 200 साल में सुनामी का नोन इतिहास नहीं, लेकिन सुनामी पे पूरी जिंदगी की पढ़ाई करने वाले लोग आपके हिंदुस्तान में भी, जिन्होंने सारी जिंदगी खाली सुनामी की पढ़ाई, तो सब्जेक्ट पर पढ़ने वाले और जानकार लोगों की कमी नहीं है, ये आप हमारे आपकी कमी है कि हम उनको लोकेट नहीं कर पाए, तो अगर ठीक से लोकेट करेंगे तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, और वो आपको फिर उनकी उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सिर्फ इतना ही है कि ये बात मीडिया में आए, और मीडिया में आए तो पॉलिसीज पर फर्क पड़ेगा, जो गलत काम हो रहा है वो रुकेगा, जो अच्छा काम हो रहा है वो आगे बढ़ेगा। तो इतना बढ़िया सोर्स और इतना रिलायबल सोर्स और इतना निस्वार्थ सोर्स आपको मीडिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये डेवलपमेंटल जर्नलिज्म की अच्छाई है कि आपको अगर डेवलपमेंटल जर्नलिज्म करना है तो इस किस्म के लोग आपको मिलेंगे। एक चीज आपको जब भी कोई खबर लिखना अभी पढ़ा रहा होगा या आगे पढ़ाएगा तो उसमें ये आपको बताएगा कि जब भी हम खबर लिखते हैं मीडिया में तो हमको कई तरह के दबाव रहते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा दबाव रहता है टाइम और स्पेस का, कि इतने ही बजे तक खबर लिख के दे दो, इतने ही बजे तक खबर बना के दे दो, क्योंकि बुलेटिन अगर चल गया टीवी का तो उसके बाद आप जो बनाएं उसका कोई मतलब नहीं, अखबार छपने का टाइम निकल गया तो आप क्या लिख के देते हैं उसका कोई मतलब नहीं। और स्पेस की भी दिक्कत, खाली टाइम की दिक्कत नहीं होती है, स्पेस की भी दिक्कत होती है कि आज अखबार में इतने कॉलम जगह हैं, आज 20 मिनट के 22 मिनट के बुलेटिन में या आधे घंटे का टाइम स्लॉट है उसमें आपको 20 मिनट ही न्यूज़ के लिए मिलेंगे, उसमें भी तय है कि इतने देर तक ये कुछ एंकर हेडलाइन पढ़ेगा, कुछ और क्या करेगा, वो जगह आपको इतना तय है। तो और जैसे जैसे बड़ा अवसर आता है या बड़ा मौका होता है कभी, तो आप पाएंगे कि विज्ञापन बढ़ता जाता है अखबार में भी और चैनल में। अखबारों में तो ये भी सुविधा है कि हम पन्ने बढ़ा लेते हैं, टीवी चैनलों में रेडियो में ये गुंजाइश भी नहीं रहती कि आप टाइम को लंबा करें, तो उसमें एक ही गुंजाइश रहती है कि खबरें कम हो जाए।
तो टाइम और स्पेस का बहुत ही ज्यादा आपको, जैसे आप जर्नलिज्म शुरू करेंगे आप तो पता लगा कि भर दिन तैयारी करके ले आए और खबर एक पैरे में निपट गई, अगले दिन आपका मन होगा यार ये छोड़ दें जर्नलिज्म, करें नहीं करें क्या करें, और कुछ बकवास खबर आपके हिसाब से जो बकवास खबर है वो चली जा रही है और आपने बड़ी मेहनत से खबर निकाली वो खबर रह गई। डेवलपमेंटल जर्नलिज्म के लिए अच्छी बात यह है कि इसमें टाइम और स्पेस का दबाव आपको कम से कम रहेगा, किसी भी और खबर की तुलना में टाइम और स्पेस का दबाव कम होता है। इसमें कभी आपको आपको ये सुविधा है कि अगर आज खबर के लिए जगह ठीक नहीं बन रही है तो इस खबर को आप कल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये दबाव नहीं है कि आज के और अभी के और इसी बुलेटिन में लग जाए और इसी पन्ने में लग जाए, इसका दबाव कभी भी जर्नलिज्म में नहीं होगा। यही कारण है कि आप देखिए पी साईनाथ आज के तारीख में बहुत बड़े पत्रकार हैं, नाम आपने सुना किसी ने नहीं सुना पी साईनाथ हिंदू में डेवलपमेंटल एडिटर हैं, उनकी किताब अच्छी आई है एक एवरीवन लव्स ए गुड जॉब, मेरी सलाह है कि आप लोग उसको पढ़िए और जरूर पढ़ना चाहिए आपको, वो हिंदी में भी किताब आई है शायद हरा भरा अकाल नाम से, पता नहीं अपनी लाइब्रेरी में है नहीं है, तो वो किताब आप जरूर लीजिए और पढ़िए क्योंकि उसमें काफ़ी सारी ऐसी कथाएं हैं जो आपके इर्द गिर्द घटती हैं, जैसे नए बीज आए हैं तो उनका क्या असर हो रहा है, नई वैरायटी जो अगर जानवरों में क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है गाय की जो ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है उनको कोशिश की गई कि पहाड़ी इलाके में उनको इंट्रोड्यूस करें तो उससे क्या डिजास्टर हो रहा है, वो जानवर भी खत्म हो रहे हैं और लोकल ब्रीड भी खत्म हो रहा है। तो इस किस्म की चीज़ें छोटी छोटी गांव की मुश्किल और शहर की मुश्किल ये सब चीज़ें उस किताब में लंबे लंबे चैप्टर हैं, और आमतौर पर आप पाएंगे कि पी साईनाथ के ज़्यादातर ये जो मैं कह रहा हूँ इस किताब के ज़्यादातर लेख इतवार को छपे हुए हैं, इतवार को इसीलिए छपे हैं कि इतवार को टाइम और स्पेस का दबाव अखबार पे सबसे कम होता है, तो उस दिन जितना मन हो अगर आपकी स्टोरी में दम है तो पसार के छपिए, उसमें कोई आपको ये बाधा डालने वाला नहीं है कि इतने ही पर ख़त्म करो और इतना अब इससे ऊपर गुंजाइश नहीं है और इतने बजे तक ही ख़त्म करो, और तो टाइम स्पेस के दबाव से भी आपको ये खबर मुक्त करती है। कई बार जो अपराध में खास तौर से जो लोग जाएंगे या अगर एक दो रिपोर्टर होगा तो हम सब लोगों को ये मुश्किल आती है, हमारे कई दोस्तों को ये बार बार शिकायत रही है कि लाश गिननी पड़ती है सचमुच की नक्सलियों का, जहाँ बार बार हमला हो रहा है या जहाँ CRPF के लोग दूसरी तरफ मारते हैं या सुरक्षा बल के लोग, बिहार में जो जाति वाली सेनाएं थी एक जाति वाले दूसरे जाति वालों को मार रहे हैं, दूसरी जाति वाले इस जाति वाले को मार रहे हैं, तो आपके काम में ये चीज़ें, हम सब लोग घर में अभी भी अगर किसी लाश को छूते हैं या अंतिम संस्कार में जाते हैं तो घर आके अरे जल्दी से नहाओ और गंगा जल डालो और उसके बगैर घर में एंट्री मुश्किल होती है, लेकिन जब आप जर्नलिज्म करेंगे खासतौर से अपराध का जर्नलिज्म तो आपके लिए ये काम एक तरह की ड्यूटी का हिस्सा हो जाता है, और कई बार आपको लगेगा यार ये लाश गिनना तो कुछ ज़्यादा है, इसके लिए तो हम जर्नलिस्ट नहीं बने। तो अगर लाश गिनने की ड्यूटी नहीं करनी है या उस धंधे में नहीं जाना है या उसको अवॉइड करना है तो गुलाब गिनने का काम करिए, गेहूँ के पैदावार गिनने का काम करिए, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में ये बहुत गुंजाइश है कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखिए और समाज के नब पे नाम हाथ रखिए, इकोनॉमी के नब पर हाथ रखिए, अच्छे को अच्छा कहिए बुरे को बुरा कहिए और उसमें से जो भी गुंजाइश बने वो समाज के हाथ में ले आइए, अगर कहीं आलोचना करने की जरूरत पड़ रही है तो आलोचना करिए, कहीं तारीफ करने की जरूरत पड़ रही है तो तारीफ करिए, लेकिन अगर आप बचाना चाहते हैं कि आपको मुश्किल जर्नलिज्म उस किस्म की नहीं करनी पड़े, या सिर्फ वही मुश्किल नहीं है जर्नलिज्म करने निकलेंगे तो आपको पता लगेगा जर्नलिज्म, जैसे मान लीजिए हम सब लोग आपको शायद और करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा भगवान जाने, अगर आपको फ्रंटियर पे रिपोर्टिंग करनी पड़े फौज के साथ जाके रिपोर्टिंग करनी पड़े तो हम उसको एक नाम ही देते हैं इम्बेडेड जर्नलिज्म, इम्बेडेड बने सब अंगूठी उंगठी पहने हुए हैं लोग नहीं है, उसमें नगीना एक जड़ा हुआ है कोई पत्थर, तो हम फौज के साथ उसी तरह से जड़ जाते हैं, फौज पकड़े रहती है चारों ओर से और हमको अपने साथ लेके चलती है, क्योंकि ये जो फोर्स मल्टीप्लायर मैंने कहा कि अगर खबर बाहर आएगी तो उसका असर ज़्यादा होगा
तो मीडिया की जरूरत फौज को है और हमको भी खबर देने की जरूरत होती है, दोनों एक दूसरे से जुड़े जाते हैं और उसी तरह से जुड़े रहते हैं जैसे ये यहाँ कोई हीरा मोती जकड़ा हुआ है। और इसी हालत में जाके जर्नलिस्ट, फौज जो कहती है वो हम लिखते हैं, जो खिलाती है वो खाते हैं, जहाँ ले जाती है वहाँ जाते हैं, जो दिखाती है वो, उसमें आप जरा भी इधर उधर नहीं कर सकते। गल्फ वार के समय सारे जर्नलिस्ट अमेरिका और इंग्लैंड से ही गए थे, उसके बाहर के 6 लोग सिर्फ थे और उन 250 जर्नलिस्टों में से भी काफ़ी सारे को वापस भेजा गया, जबकि वो सब टेस्टेड होंगे, कोई अमेरिकी लाइन को काटने वाला नहीं होगा, तो सब टेस्टेड थे। इसके बाद भी कई लोगों को बाहर किया गया, कई की रिपोर्ट रोकी गई, कई को फटकारा गया, क्योंकि उन्होंने फौज की मर्जी के खिलाफ किया। आपको कई बार लगेगा एम्बेडेड जर्नलिस्ट होके जाएंगे कि बाप रे ये करना तो हमारा नहीं था, हम इसके लिए तो जर्नलिस्ट जो फौज हमसे दिखवाए वही लिखेंगे, जो दिखाए वही देखेंगे। तो अगर इन सब को अवॉइड करना है तो डेवलपमेंटल जर्नलिज्म आपके मन का की पत्रकारिता हो सकता है और इसमें काफ़ी गुंजाइश है करने की। और जैसा मैंने पहले आपको कहा कि आज की मीडिया में 3% जगह ही डेवलपमेंटल खबरों को मिल रही है, तो 3 को कम से कम 13 भी करना हो तो आप जैसे काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत है और इस फील्ड में आइए, क्योंकि अभी ये फील्ड खाली है, बाकी सब में बहुत मारामारी है, उस मारामारी से बचना है और सचमुच का सार्थक काम कुछ करना है समाज के लिए, तो ये पत्रकारिता का एक नया फील्ड है जिसमें आप सबकी जरूरत है।